ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक साल पहले आज से ख़रीदा था। 2800 रुपीज़ का था ये। मुझे डिस्काउंट के बाद 2500 का पड़ा था। ये फुल वायरलेस ईयरबड्स हैं। इसको ईयर प्लग्स भी कहा जाता है, बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं आजकल। थंडर बेस्ड ब्लूटूथ ईयरफोन इनका नाम है। कंपनी शेवरॉन है और फास्ट पेयरिंग है इसमें। स्टीरियो साउंड है, हैंड्स फ्री कॉलिंग है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन 6.2 है, बैटरी रिमाइंडर है। जैसे कि बैटरी डाउन हो जाती है तो इसमें ईयरफोन में आवाज़ आने लगती है कि बैटरीज लो करके। और बाकी के स्पेसिफिकेशन आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए अगर आपको ऐसे लगते हैं तो कुछ। सब चीज़ें बाकी की, इसका ऑलरेडी पावर बैंक आता है इसमें चार्जिंग के लिए, ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टोर हाउस कहते हैं उसको। 1500 mAh का रहता है अप्रोक्सीमेटली, उसमें 3 times चार्ज हो जाता है। इसमें MRP डली हुई है 5999 rupees की। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं, कुछ ऐसा रहता है अंदर से। इसमें ऐसी ब्रांडिंग होती है और ये कुछ इस तरीके के ईयरफोन होते हैं। कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें एक लाइट भी है, मैं दिखाता हूँ जला के आपको। कुछ इस टाइप की लाइट्स होती हैं। बाकी पेयर कैसे करना है इस पे लिखा हुआ है। ये पेयरिंग स्टेप्स दिए हुए आप पढ़ सकते हैं। और बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या मिलते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स रहती हैं इसके साथ। ये ईयर टिप्स हैं। एक कैरी पाउच मिलता है, इसको ऐसे ओपन करके आप इसके अंदर रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं इजीली कि ईयरफोन ना गिरे जिससे। यूजर मैनुअल होता है इसके अंदर। इसमें बॉक्स के अंदर इतनी चीजें निकलती हैं, देख सकते हैं आप। ये सब होता है बॉक्स के अंदर इसके। इसमें मैग्नेट रहता है यहाँ पे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दिख रहे हो तो दो पिन टाइप की हैं ये। इन पे ऐसे लगाते हैं इनको तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है जा करके ऐसे। और ये चार्जिंग पोर्ट है इसका। माइक्रो केबल लग जाती है इसके साथ, केबल नहीं आती है, आपको अपने मोबाइल की केबल से यूज़ करना पड़ता है, लैपटॉप से चार्ज कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी वर्थ की। तो ये 2800 rupees में बहुत महंगा है। आजकल 1000 rupees में बहुत अच्छे ट्रू वायरलेस ईयरफोन आने लगे हैं, ईयरबड्स आने लगे हैं। मैं उन पर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, मैंने मंगा लिया है अभी, उसका भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। इनकी रेंज कम रहती है, लाइक आप पॉकेट में रखते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट आजकल जो आ रहे हैं उनमें ऐसा नहीं है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी दी गई है, ऐसा कहते हैं ये लोग, बट 5.0 नहीं है, इसमें 4 या 4.2 है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत स्लो है, बैटरी बैकअप भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। कभी एक पहले डाउन हो जाता है, कभी एक बाद में डाउन होता है। तो आप इससे लेने से अच्छा
दूसरा ले सकते हैं, उसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और जो न्यू मैंने ऑर्डर किया है उसका कंपैरिजन वीडियो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा।